गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत बढ़िया गाइस। आज का मैं व्लॉग ये स्टार्ट कर रही हूँ और आपके मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं कि चींटियों के लिए कोई बता रहा है लक्ष्मण रेखा, कोई कुछ। बट गाइस, मुझे ना परमानेंट आप बताइए कि परमानेंट मैं क्या यूज़ करूँ उसके लिए ना, चींटियों के लिए, ठीक है? और बाकी अभी मिलते हैं आगे व्लॉग में गाइस। अभी मैं चाउमीन बनाने लगी हूँ आज, तो क्या कहते हैं उसकी भी रेसिपी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस थोड़ी सी जो सब्जियाँ हैं वो लेकर आती हूँ, तो फिर मिलते हैं गाइस रेसिपी के साथ। बस अभी हम जाने लगे हैं थोड़ी बहुत सब्जी लेने के लिए जो कि चाउमीन के लिए है, तो मिलते हैं अभी। और पता है हम गाड़ी में बैठे तो गाड़ी ना इतनी गर्म हो रही है ना शीशु, कितनी गर्म हो रही है बताओ। अरे बड़ी गर्म हो रही है, बहुत ही गर्मी है बाहर यार गाइस। चलो अभी मिलते हैं, थोड़ी सी ठंडी हो जाए गाड़ी तो फिर हम चलते हैं। अभी तो ऐसे टच करने का भी मन नहीं कर रहा स्टीयरिंग को। आ गए गाइस सब्जी लेके सारी, और अब हम जा रहे हैं ऊपर, फिर मैं बनाती हूँ और रेसिपी के साथ मिलते हैं हम आपको। अभी लंच टाइम है, हमारा लंच चल रहा है। लंच में आज बने हैं दाल चावल रोटी। चलो खा लो बच्चों, लंच करो बच्चों, करो शाबाश। हाय गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज मैंने आपको कहा था ना कि मैं चाउमीन की रेसिपी शेयर करूँगी, तो मैं आप चाउमीन जो है वो स्टार्ट करने लगी, तो उसकी शेयर करती हूँ आपके साथ रेसिपी। गाइस हमने पानी रखा है गरम होने के लिए, और उसमें ये जो हमारे नूडल्स है चाउमीन, इसका हम पैकेट को डाल देंगे। बॉयल होने के लिए हमने पैकेट दोनों डाल दिए हैं, साथ ही साथ हम इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा। और थोड़ा सा हम जो है ये ऑयल डाल देंगे, रिफाइंड ऑयल। ये हमने बॉयल होने के लिए इसको रख दिया, नमक और रिफाइंड इसमें डालकर। अब ये बॉयल हो गई गाइस, जब तक मेरी ये बॉयल हो रही है तब तक मैं जो सब्जियां हैं वो काट लूँगी, बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर, प्याज, ये सब मैं काट लेती हूँ। ये हो गई है और मैं इसको अब निकाल रही हूँ। हमने चीरा देकर काट ली है, चाहे तो आप इसको गोल गोल भी काट सकते हैं। प्याज को हम ऐसे पतला पतला लंबा लंबा काटेंगे। गाइस अब ये जो हमारी पत्ता गोभी कैबेज है, इसको हम पतला पतला ऐसे लंबा लंबा काट लेंगे। हमने जो है पत्ता गोभी काट ली है, अब हम जो ये हमारी शिमला मिर्च है इसको भी पतला पतला ऐसे काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। ये गाइस हम छोटी छोटी देख रहे हैं, आप गाजर भी ऐसे काट लेंगे। गाइस अब हम चाउमीन बनाने लगे, मैंने सब्जियां काट ली थी, तो सबसे पहले हम रिफाइंड डाल रहे हैं, थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे। जैसे ही ऑयल हमारे ये गर्म होता है तो इसमें हम प्याज और अपनी हरी मिर्ची है वो डालेंगे। गाइस जब तक मेरा भी प्याज ही हो रहा है, मैं अपना विनेगर और सोया सॉस की बॉटल जो है वो ओपन कर रही हूँ। अच्छा गाइस मुझे एक कमेंट में बताइएगा कि आप भी संडे स्पेशल में अपने बच्चों के लिए क्या क्या बनाते हैं, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अब हम डालेंगे इसमें बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। अब इन सब्जियों में हम नमक डालेंगे। नमक के बाद हम अजीनोमोटो डालेंगे,
ये जो अजीनोमोटो होता है ये सारे ही जितने चाइनीज खाने होते हैं सब उसमें डलता है, तो अजीनोमोटो डालेंगे। अब इसके अंदर जो है हम अपने ये चाउमीन हमने बॉईल करे थे वो डालेंगे। इसमें हम सोया सॉस डालेंगे, विनेगर डाल देंगे, तरीके से मिक्स कर लेंगे। लास्टली गाइस हम इसके ऊपर काली मिर्ची डालेंगे। ऑलमोस्ट अब हमारी ये सारी डन हो चुकी है, अब काली मिर्च डाल के इसको मिला लेंगे अच्छी तरीके से। गाइस होप करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय गाइस। पापा कैसी बनी है? नमक वमक सब बढ़िया है? चलो पास हो गई। शिष्टू आप बताओ बेटा कैसी है? बढ़िया है। वाह वाह, थैंक यू बेटा।